हाँ सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। सो आज का जो सेशन है, आज के सेशन के अंदर जो टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, सो आज जो टॉपिक्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, फर्स्ट इज ऑल्स हिमालयन लंगूर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है, दिस इज रिलेटेड विथ एनवायरमेंट। ठीक है, इसको एनवायरमेंट कैटेगरी के अंदर लिखना है। वाई रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज डिफिकल्ट। तो यहाँ पे आप इकोनॉमी वाले पेज में जाओगे ना, तो इसमें थोड़ा सा कुछ कंटेंट है, बट आई हैव कैरीड आउट रिसर्च एंड देन हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये इकोनॉमी के अंदर है कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना, वाई इट्स डिफिकल्ट। देन इफ यू रीड अबाउट EWS, अब देखो उसमें अपने अपने व्यूज दे रहे हैं सभी लोग कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कंटेक्स्ट में जो ऑनरेबल कोर्ट का जजमेंट है, बट हियर वी विल ओनली डिस्कस अबाउट आर्टिकल 15 एंड 16। ठीक है, बाकी ओपिनियन, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है, यू कैन कैरी दैट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड हायर एजुकेशन एट ऑटोनॉमी के ऊपर है। तो एजुकेशन और ये सब टॉपिक्स आपके GS पेपर 2 के अंदर आता है, जनरली दे आर इंक्लूडेड अंडर GS पेपर 2। फिर प्रिलिम्स, प्रिलिम्स आपका UIS चैनल के अंदर आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड काफी सारे जो टॉपिक्स हैं दैट आई हैव कवर्ड। अगर आप देखोगे तो आई हैव कवर्ड, वो लिस्ट में आपको बता दूंगा अभी लास्ट में। सो प्रिलिम्स से रिलेटेड 9 PM प्रिलिम्स ज्ञान सीरीज के अंदर आई हैव कवर्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स लाइक ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड साइंस। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू द न्यूज़पेपर, लेट मी सी अगर थोड़ा सा विजिबल हो, जिससे यू विल हैव क्लैरिटी कि क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको पढ़ना चाहिए।
है। सो इन्हीं में से जितना भी आई हैव शोन यू उसी से जो टॉपिक्स हैं वो आपके निकल कर इतने टॉपिक्स आते हैं, जस्ट टू हाईलाइट कि अभी सारे के सारे हेडलाइंस वी नीड नॉट टू डू। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अन अकेडमी पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, अन अकेडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप का जो है वो जरूर से आप हिस्सा बने। कल है इसका, नवंबर 13 11 बजे है। अब इसके पास इसमें आपके पास मौका है एक्सक्लूसिव मीट एंड ग्रीट विद एन IAS ऑफिसर, ऑल्सो स्कॉलरशिप जीतने का भी आपके पास जो है मौका है, तो इसको आप जरूर से अटेंड करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मिल जाएगा फ्री है, और कोड अगर पूछे पुट दिस कोड दैट इज SPLIVE, इस कोड का इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी हर महीने कोर्स हर महीने आपका आएगा। 2023-24 के लिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग सो इसको जरूर से करना है। unacademy.com में जाना, UPSC CSC सेलेक्ट करना है, देन यू कैन ज्वाइन इट। लाइक यू हैव टू जस्ट विजिट unacademy.com, UPSC CSC कोड दे के आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे कोर्सेज तो कर ही सकते हैं, साथ में इंडिया के टॉप एजुकेटर के कोर्सेज भी साथ में ही आपको मिल जाएंगे। देख तो अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, साथ में पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी दूसरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको अलग से ज्वाइन नहीं करना, साथ में इंक्लूडेड है। फिर अभी ये नवंबर एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है जिसमें इफ़ यू आर टेकिंग 9 मंथ में आपको 2 मंथ्स है, 12 मंथ में 3 मंथ्स फ्री है, तो ये भी आपके पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, तो ये भी इसका भी बेनिफिट आप उठा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे द फर्स्ट टॉपिक इज, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, एल्टीट्यूड डिसाइड्स सीमियंस एटीट्यूड टू डाइट एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे कुछ जो इसमें हाईलाइट किया गया है दैट इज रिलेटेड विद द हिमालयन ग्रे लंगूर, हिमालयन ग्रे लंगूर, हिमालयन ग्रे लंगूर। तो उसी हिमालयन ग्रे लंगूर के ऊपर एक आपका कुछ आस्पेक्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो इसमें जो पॉसिबल प्रश्न आता है, एक तो बायोडाइवर्सिटी पर कभी भी कोई प्रश्न आता है तो यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ दिस लंगूर। दूसरा जो कंटेंट हम डिस्कस करेंगे उसमें यह है कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है उसके बारे में यू कैन हाईलाइट इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पर कोई आया तब आप इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ह्यूमन एंड एनिमल कंफ्लिक्ट, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ह्यूमन और एनिमल कंफ्लिक्ट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीजें हैं, और क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम साथ में ही होता है तो प्रीलिम्स की जब हम बात करते हैं तो जो ज्योग्राफी रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं वो बहुत मतलब एनवायरनमेंट ज्योग्राफी के जो एरियाज होते हैं थोड़ा सा फोकस आपके किए जाते हैं। तो इसमें देखो रिसर्च क्या कहती है, रिसर्च सिंपली सेज डिपेंडिंग अपॉन द एल्टीट्यूड, जो एल्टीट्यूड है डिपेंडिंग अपॉन द एल्टीट्यूड ये जो प्राइमेट्स हैं जो हिमालयन ग्रे लंगूर है बेसिकली इट चेंजेस इट्स हैबिट, अपनी जो हैबिट है उसको वो चेंज करता है। कैसे, किस लिए चेंज करता है, दैट इज ईटिंग हैबिट। लाइक कभी ये जो है लाइक फॉर एग्जाम्पल लीव्स खाता है, कभी ये जो है फ्लावर्स, लाइक इट चूज बिटवीन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एज अ फूड ऑप्शन, या तो फ्लावर कंज्यूम करेगा या फिर फ्रूट्स कंज्यूम करेगा, और ये डिपेंड किस पर करता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लाइक जैसे जैसे जो एल्टीट्यूड है मतलब जो हाइट है वो वेरी करता है। सो कहीं पे जैसे ज्यादा हाइट में आपको फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, कोई भी प्लांट है उसके फ्लावर्स है तो ये फ्लावर्स को कंज्यूम करेगा, एक हाइट में इट विल कंज्यूम द फ्रूट्स। तो ये चीज आपकी हाईलाइट की गई है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इज इट पॉसिबल कि जो भी आपके बायोडाइवर्सिटी कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए कि हिमालयन लंगूर वेदर इट चेंजेस इट्स हैबिटेट और वी कैन से इट चेंजेस इट्स डाइट पैटर्न डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन एल्टीट्यूड, क्या ये पॉसिबल है, तो आंसर इज यस इट इज पॉसिबल, लाइक इट इज बींग डन बाय द हिमालयन ग्रे लंगूर। तो यहाँ पे इसे चंबा सेक्रेड लंगूर भी कहा जाता है। अभी साइंटिफिक नेम आप लोग देख सकते हो दैट इज सेमनो पिथेकस एजेक्स करके है, तो यहाँ पे ये कोलोबाइन, अब ये टर्म आपको याद रखना है, व्हाट डू यू मीन बाय कोलोबाइन। ठीक है, तो कोलोबाइन शब्द का क्या मतलब है, इसमें देखो इवन देयर कैन बी अ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट हिमालयन ग्रे लंगूर। सो कोलोबाइन क्या है, कोलोबाइन का मतलब होता है जो लीफ फीड, जो लीफ फीटिंग या जो लीफ कंज्यूम करते हैं मंकीज, ठीक है, वी कॉल इट एज कोलोबाइन, ये टर्म आपको याद रखना है। इसे एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर जो है कंसीडर किया जाता है, ये भी स्टेटस अंडर IUCN के अंदर ध्यान रखना है कि इट इज कंसीडर्ड अंडर एंडेंजर्ड कैटेगरी, क्योंकि ज्यादा इसके नंबर्स नहीं, ओनली 1500 मेच्योर इंडिविजुअल्स हैं। सो वेन यू टॉक अबाउट द हिमालयन ग्रे लंगूर, ये एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जो फूड चेन का आपका हिस्सा है, और ज़्यादातर ज़्यादातर जिस जीनस से बिलोंग करते हैं, जैसे
व्हेन यू टॉक अबाउट द साइंटिफिक नेम, है ना, तो जैसे एक सर्टेन जो जीन जीनस से बिलोंग करेंगे, यू कैन हैव अ डिफरेंट स्पीसीज, जैसे जो लंगूर है उनके डिफरेंट स्पीसीज है, बट एक सिंगल जीनस से वो आते हैं, उस जीनस का नाम क्या है, दैट इज सेमनोपिथेकस, वी कॉल इट एज अ सेमनोपिथेकस। तो ये जो सेमनोपिथेकस एजेक्स की अगर हम बात करें, ये इट्स अ एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है, एज पर द IUCN की जो लिस्ट है, एंड इट वॉज रीडिजाइंड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये आपको अपडेटेड थोड़ा सा देखना है कि यहाँ पे जो एस एजेक्स करके है, इसे पहले एंडेंजर्ड डिक्लेयर किया गया और बाद में इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड डिक्लेयर किया। अब देखो ये जो कंटेंट है, इट इज मेंशनड इन डाउन टू अर्थ, यहाँ पे डाउन टू अर्थ से हम लोग वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग, डाउन टू अर्थ के अंदर ये चीज आई है, लेकिन अगर पेपर में हिंदू में देखोगे तो दे हैव मेंशनड इट एज अ एंडेंजर्ड, ठीक है। सो वी कैन सी कि जो डाउन टू अर्थ है वो ज्यादा आपका, क्योंकि वो इसी एरिया से बिलोंग करती है, तो उसमें जो आर्टिकल है, एज पर दैट आर्टिकल इट इज स्टेटेड दैट जो आपका आपका ये जो लंगूर है सेमेनोपिथेकस एजेक्स करके बात किया जाए, तो इट इज कंसीडर्ड एज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इसका जो हैबिटेट है उसका भी लॉस है। दूसरा, ये जो लंगूर है ये एग्रीकल्चर फील्ड में आते हैं हार्वेस्टिंग के टाइम पे, एंड देन दे मूव डीप इन टू द फॉरेस्ट, एंड वी कैन ऑल्सो से कि इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल पॉलिनेशन में भी होता है, ये भी ध्यान में रखना है, पॉलिनेटर के रूप में भी काम करते हैं, पॉलिनेशन के उसमें भी ये एक रोल जो है लंगूर्स हैं इनका होता है। फिर आपका काला टॉप ये हिमाचल के जो रीजन है, खजियार की अगर बात करें, तो ये दो ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे ये आपके हिमालयन लंगूर्स आपके प्रेजेंट हैं। मेजर जो कॉमन थ्रेट जो ये फेस कर रहे हैं, दैट इज ह्यूमन एनक्रोचमेंट, जो कि मेजर जहाँ भी फॉरेस्ट इलाके हैं, जहाँ पे जो भी फॉरेस्ट इलाके हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट हैबिटेट है फॉर दीज लंगूर, तो वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय और डिग्रेड हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो हैबिटेट का लॉस एक बड़ा है, ओवर ग्रेजिंग, जो रोड्स और ये सब आपके बन रहे हैं जिसकी वजह से पूरे तरीके से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो रही है, फॉरेस्ट को रिप्लेस करके एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, वाइल्ड फायर है, फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है, और जैसे लीपर्ड और टाइगर्स ये एक प्रकार से प्रेडेटर के रूप में भी हैं, इट मीन्स दे अटैक ऑन दीज लंगूर्स, तो उसकी वजह से भी इनके नंबर रिड्यूस हो रहे हैं, और बहुत तरीके के वायरस बैक्टीरिया से भी ये सफ़र कर रहे हैं, वायरस एंड बैक्टीरिया की वजह से भी इनका ये जो है सफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे what we have to understand, we have to understand ki what are the factors responsible, kaun kaun se factors responsible hain jiski wajah se jo Himalayan grey langur hai uski population mein reduction dekhne ko mil raha hai, and kaun kaun se factors hai, ye factors aapko yaad hone chahiye ki these are the factors which are responsible, jo ki responsible hai Himalayan grey langur ke jo number aapke reduce ho rahe hain। ab isme dekho yahan pe अगर देखा जाए तो इकोसिस्टम लेवल पे भी ये जो डार्क आइड हिमालयन लंगूर एक होता है, इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, इट मींस एक फीडबैक, इट फीडबैक का मतलब हो गया कि जैसे कोई भी इकोसिस्टम है उसमें किस तरीके से फ्लोरा पेड़ पौधे हैं, कैसा वेजिटेशन है, उस अगर ये लंगूर्स प्रेजेंट है, इट सिंपली सेज ये हाईलाइट करता है कि हाँ वेजिटेशन यहाँ पे अच्छा है, अगर इनका एक प्रकार से प्रेजेंस की अगर हम प्रेजेंस बात करें, फॉरेस्ट के जो सर्वाइवल है रीजनरेशन में इसका बहुत रोल। अब आपके मन में आएगा ऐसे कैसे कर सकता है, हाउ दिस काइंड ऑफ रोल कैन बी परफॉर्म बाय दिस लंगूर। अब देखो क्या होता है, अगर आप लंगूर की बात करो ना, तो दे ईट फ्रूट्स, अगर वो फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाने के बाद क्या है कि वो खाने के बाद जो बीज होते हैं वो कभी इधर फेंकेंगे कभी उधर फेंकेंगे, तो ये क्या, तो वही बीज से दोबारा से पेड़ जो है वो उगते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल है, दैट रोल इज बींग परफॉर्म्ड बाय दीज लंगूर्स। इट मीन्स वॉट, फॉरेस्ट रीजनरेशन, फॉरेस्ट सर्वाइवल में इनका एक बड़ा जो रोल आपका रहता है, इट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमेट की अगर बात करें, मतलब ऑल दीज लंगूर्स कम दे कम्स अंडर प्राइमेट कैटेगरी, दे ऑल्सो प्ले और परफॉर्म इकोलॉजिकल सर्विसेस, जैसे सीड डिस्पर्सर, पॉलिनेटर, सीड प्रेडेटर्स, फूड फॉर द टॉप प्रेडेटर्स, मतलब जो दूसरे प्रेडेटर्स उनके लिए फूड के रूप में भी काम करता है, सीड को एक जैसे फ्रूट्स कंज्यूम किया, सीड को कहीं फेंक दिया खाने के बाद, या सीड जनरली ऐसे फेंक दिया, पॉलिनेट करना, ये सब चीज़ों में एक इंपॉर्टेंट रोल इन लंगूर्स का होता है। दूसरा, आप ये देखना, जैसे दजिगम नेशनल पार्क, कमेंट सेक्शन में बताओ दजिगम नेशनल पार्क कहाँ पे है, और एक मछियारा नेशनल पार्क है, ये एक
इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं जहाँ पे लंगूर्स आपके पाए जाते हैं। तो ये जो मचियारा नेशनल पार्क है ये तो पाकिस्तान को पड़े कश्मीर के रीजन में है। कमेंट सेक्शन में जस्ट लेट अस नो द चिगम नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, वेयर इज द चिगम नेशनल पार्क। ठीक है, अब अभी लेटेस्ट उससे उसको एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में आपका डिवाइड किया गया, तो बताओ कौन सा वो है। नेक्स्ट देखते हैं, येलन पुशेस फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन द रेगुलेशन ऑफ द क्रिप्टो करेंसी। अब देखो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पे मिले हैं और इंडियन जो फाइनेंस मिनिस्टर है, तो इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर इन्होंने एक इशू पर डिस्कस किया, दैट इज हाउ वी कैन रेगुलेट द क्रिप्टो करेंसी। अब इसमें अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे ना तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, कंटेंट आपको नहीं, अब कंटेंट निकालना पड़ेगा कि हाउ एंड लाइक व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी इंपॉर्टेंट और कहाँ से प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ये लोग डिस्कस कर रहे, इफ दे आर डिस्कसिंग कि हमें क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट करना है और इसके लिए दो बड़े देश इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, सपोज करो इफ वी हैव टू रेगुलेट, अगर हमें रेगुलेट करना है जो आपकी फिजिकल करेंसी है तो उसमें हमें किसी दूसरे देश से बातचीत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए जैसे बिटकॉइन है और जो ये क्रिप्टो करेंसी है, दो बड़े देश, एक लार्जेस्ट और एक ओल्डेस्ट जो डेमोक्रेसी है, दे आर डिस्कसिंग ऑन दिस एस्पेक्ट कि ठीक है हाउ वी कैन रेगुलेट द क्रिप्टो करेंसी, लेट्स डिस्कस ऑन इट। अब हमारे लिए प्रश्न आता है कि वाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी, क्यों इतना डिफिकल्ट होता है क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना, एक बेसिक कंटेक्स थोड़ा सा देखते हैं। देखो जो क्रिप्टो करेंसी है इट इज अ पार्ट ऑफ अ डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी सिस्टम। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको करेंसी का इस्तेमाल करना है, इफ यू हैव टू यूज एनी करेंसी, तो आप जैसे कोई भी नोट लेते हो तो वो नोट कौन से होते हैं, आरबीआई के द्वारा जो जारी किए गए नोट होते हैं उन्हीं को आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि घर में खुद से फोटोकॉपी करा लिया और उसको यूज कर रहा हो, इट्स नॉट पॉसिबल, ये तो फेक है, इलीगल करेंसी होगी और उसमें फिर लीगल एक्शन भी हो सकता है अगर कोई ऐसे कार्य करता है। सो पॉइंट इज कि व्हेन यू टॉक अबाउट द डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी सिस्टम, डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब कि आप खुद से करेंसी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो करेंसी में देयर इज अ सर्वर, आपके पास सर्टेन एल्गोरिदम होता है, उसको सॉल्व करते हो, क्रिप्टो करेंसी जनरेट होती है और उस क्रिप्टो करेंसी जो जनरेट होती है उसका ट्रांजेक्शन किया जा सकता है, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और इसमें फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पॉइंट ये है कि इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है दैट कैन बी जनरेटेड बाय द इंडिविजुअल, अगर सपोज करो नॉर्मल फिजिकल करेंसी है तो उसको अगर आपको जनरेट करना तो आरबीआई इज अवेयर कि ठीक है मैंने करेंसी इतनी प्रिंट की है तो मार्केट में इतनी करेंसी है, तो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी एंड ऑल सब लेकर आ सकती है कि ठीक है ये मॉनेटरी पॉलिसी है, इसके माध्यम से जो भी मनी सर्कुलेशन है उसको हम लोग रेगुलेट कर लेंगे, बिकॉज दे आर अवेयर कि जो करेंसी है उनकी मार्केट में इतना है। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट द क्रिप्टो करेंसी इट्स अ पार्ट ऑफ अ डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी सिस्टम। जब आप डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी सिस्टम की बात करते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट द डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी सिस्टम, उस कॉन्टेक्स्ट में जो करेंसी है, करेंसी इज बेसिकली जनरेटेड बाय द इंडिविजुअल्स। ठीक है, जो इंडिविजुअल है उसके द्वारा जो करेंसी है वो आपकी जनरेट होती है और जो एल्गोरिदम एंड ऑल सॉल्व करके आपका किया जाता है, जस्ट अगेन और जो ट्रांजेक्शन है उसको भी ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और इसका बहुत एरिया में जो है नुकसान होता है। जैसे अभी इस समय यूनाइटेड नेशन जो एक कमिटी है टेररिज्म के कंटेक्स्ट में, उसकी मीटिंग भी हुई थी इंडिया के अंदर और उसमें कहा गया कि जो टेररिज्म है, टेररिज्म में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत अधिक हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा हुई थी, हमने पहले डिस्कस किया था, इस पर कई आर्टिकल्स आए थे। अब आप इमेजिन करो कि इस पर बातचीत हो रही और उस पर एक पॉइंट ये कहा गया कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी है, टेररिस्ट एक्टिविटी में जो फाइनेंस है, उस फाइनेंस को फैसिलिटेट करने में इन क्रिप्टो करेंसी का भी एक बड़ा रोल है, तो इसलिए इनका रेगुलेशन बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर जो टेररिज्म है या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उसमें क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है तो उसको किस तरीके से रोका जाए या उसको कैसे ट्रैक किया जाए, क्योंकि फिर ये एक बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में भी कंट्रीज को फेस करना पड़ सकता है। सो अगेन लेट्स मूव टू द क्वेश्चन दैट वी हैव स्टार्टेड विथ कि वाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रेगुलेट द क्रिप्टो करेंसी, जो कि यहाँ पे थीम बनकर आता है। ठीक है, जीएस पेपर 3 के अंदर ये टॉपिक बन जाता है। पहला कि ये जो क्रिप्टो करेंसी बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा है, ठीक है, जैसे सर्टेन कोड है, तो यहाँ पे वी कैन से कि जैसे जो मनी है, मनी एक टेंजिबल, जैसे नोट है, नोट आप देख सकते हो, बट वेन यू टॉक अबाउट द क्रिप्टो करेंसी ये एक प्रकार का एक कोड सा है या डेटा सा है। ठीक है, तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट
टू चेंज अवर बिलीफ सिस्टम। कोई चीज जो टेंजिबल है जिसे आप देख सकते हो उसको आप रेगुलेट कर रहे हो, और उस रेगुलेटरी सिस्टम से आपको स्विच करना है टू रेगुलेट समथिंग विच इज इनटेंजिबल, जिसे आप महसूस या देख नहीं सकते हो। इट मीन्स वो जो सर्टेन एल्गोरिदम है, फिर उससे करेंसी जो है वो जनरेट करती है, वो करेंसी की भी सर्टेन कोडिंग होती है, फिर उस सर्टेन कोडिंग में उस जो कोडिंग है उस बेसिस में उसको यूनिकनेस रहता है। तो यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि एक इनटेंजिबल कंप्यूटर कोड को मनी के रूप में हमें इस्तेमाल हम कर रहे हैं और इसको रेगुलेट करना है, वी हैव टू रेगुलेट दिस। तो इसमें हमें अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, जो कि एक चैलेंजिंग टास्क है, खासतौर से सेंट्रल बैंक्स की जो है बात करें। सो जो कॉमन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट इन स्टॉक मार्केट एंड बैंकिंग सिस्टम आर टेंजिबल प्रोडक्ट। अगर देखा जाए जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर है, बैंकिंग सिस्टम में मनी एंड ऑल है, वो सब कुछ टेंजिबल है, यू कैन सी इट, आप महसूस कर सकते हो, सिंपल सी बात। और इसमें सॉवरेन बैकिंग है, जैसे अगर कोई करेंसी आप यूज कर रहे हो, कोई भी करेंसी है, अगर आपके पास 100 रुपए की नोट है, इट्स अ लीगल टेंडर। इसका मतलब क्या है कि उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि जो आरबीआई है उसकी अश्योरिटी रहती है कि इट्स इसकी ये जो वैल्यू है इसकी 100 है और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इट्स अ लीगल टेंडर, है ना, जो नॉर्मल करेंसी है। बट वेन यू टॉक अबाउट द क्रिप्टो करेंसी, उसमें ऐसे कोई सोवरेन बैकिंग नहीं है, ऐसी कोई सोवरेन बैकिंग नहीं है, उसकी जो वैल्यू है वो स्पेकुलेशन के बेसिस पर आगे पीछे हो सकती है। अब अगर 100 रुपए की नोट है तो 100 रुपए की नोट 100 रुपए की ही होगी, मतलब ऐसा नहीं कि 100 रुपए का 1000 रुपए की हो जाएगी, इट इज नॉट पॉसिबल। इन्फ्लेशन से वैल्यू ऊपर नीचे होती है, लेकिन जो जो एक एक हम कह सकते हैं कि अगर 100 रुपीज की नोट है तो वो 100 रुपीज की ही होगी, इट्स नॉट लाइक कि आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम 500 रुपीज नोट और 1000 रुपीज नोट। बट इन केस ऑफ क्रिप्टो करेंसी, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेकुलेशन और मार्केट में सर्टेन जो चेंजेस हो रहे हैं, द वैल्यू कैन चेंज, ठीक है। तो इसलिए ये कहा जाता है वेदर इट्स अ करेंसी और इट्स अ एसेट, क्योंकि जैसे गोल्ड है, गोल्ड इज एन एसेट। आज आप मान लो 40,000 का है, बाद में 70,000 का हो जाएगा, फिर 1,00,000 का हो जाएगा, तो ये एसेट वैल्यू चेंज होगी। लैंड इज एन एसेट, बट वेन यू टॉक अबाउट द करेंसी, तो 100 रुपीज नोट, 50 रुपीज नोट, वो करेंसी है विच कैन बी यूज फॉर एन एक्सचेंज पर्पज, एक्सचेंज पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हो। तो क्रिप्टो करेंसी नाम करेंसी है, बट क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो एसेट के रूप में जो है वैरी करती है, वैल्यूएशन इसकी चेंज होती रहती है, तो ये थोड़ा सा जो एक चैलेंज है रेगुलेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यू आर नॉट जस्ट रेगुलेटिंग द करेंसी, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एन एसेट, एक एसेट के रूप में भी ये आपका जो है रहता है। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट भी ध्यान रखना है। सो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैव नॉट बीन क्राफ्टेड फॉर एनीथिंग प्योरली इनटेंजिबल, जो पूरे तरीके से इनटेंजिबल है, यू कैन नॉट सी इट, इट्स नॉट अ टेंजिबल प्रोडक्ट। लाइक फॉर एग्जांपल जो करेंसी है वो नॉर्मल करेंसी इज अ टेंजिबल प्रोडक्ट, ये टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है। सो इसके लिए हमने आज तक ऐसा कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया ही नहीं, इसलिए ये बड़ा चैलेंज आपका बन जाता है। फिर दूसरा ये है कि क्रिप्टो मार्केट कैसे ऑपरेट करता है, ये भी थोड़ा सा जानकारी चाहिए अगर हमें इसको जो है रेगुलेट करना है। फिर ये वर्नेबिलिटी हायर रहती है अटैक, क्योंकि एक डिजिटल सिस्टम के अंदर क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन होता है, ऐसे जेब में लेके घूम नहीं सकते कि पर्स से निकाला क्रिप्टो करेंसी ये लो, इट्स नॉट पॉसिबल। फ्यूचर में हो जाए तो पता नहीं, बट अभी तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप पर्स से निकाल रखे लो 4 क्रिप्टो करेंसी ले लो। तो अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ अ डिजिटल सिस्टम, व्हेन इट इज अ पार्ट ऑफ अ डिजिटल सिस्टम तो आपको सिस्टम को भी सिक्योर करना है, ये भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का एक बड़ा चैलेंज जो है बन जाता है। सो सडन ब्रेकडाउन ऑफ द मार्केट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, मार्केट का ब्रेकडाउन हो गया, कई क्रिप्टो करेंसी आप देखोगे कि उनकी एक वैल्यू है, थोड़े ही दिन में वो पूरे तरीके से वो उनकी वैल्यू चली गई, ऐसा आपने कई बार देखा होगा। तो यहाँ पे जैसे अब रुपी है, अब आपके पास अगर 10,000 रुपए है, कुछ भी हो जाए बट आपके पास 10,000 रुपए रहेंगे, कोई आपसे नहीं ले सकता, ठीक है, मतलब ले सकता है इन द सेंस कि अगर 10,000 रुपीज आप होल्ड करते हो तो 10,000 रुपीज की जो भी चीजें है उसको आप ले बाय कर सकते हो। यहाँ पे क्या है कि जो क्रिप्टो करेंसी अगर आपने होल्ड की हुई है, अब अगर मार्केट थोड़ा सा गिरा तो वो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बहुत डाउन भी जा सकती है। तो अगर आपने कुछ क्रिप्टो करेंसी होल्ड भी की गई, हो सकता है उसकी वैल्यू जीरो हो जाए या बहुत ही कम हो जाए। तो ये सब चीजें हैं कि उसकी जो वैल्यू है इट चेंजेस एज पर द मार्केट। तो ये इसलिए और रेगुलेशन एक बड़ा चैलेंज आपका जो है आपका चैलेंज एक बनता है। सो ऑल द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन लेजर सिंपली इवोपरेट रिकवरी मैकेनिज्म मे नॉट वर्क। ये भी है कि जो भी जितनी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो, जो भी एक ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो जितनी भी वैल्यू है, दो वैल्यूज कैन इजिली इवोपरेट और हमको पता भी ना चलेगा।
दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग चैलेंज, दैट इज द रीजन आप कह सकते हैं कि इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रेगुलेट. फिर क्लैरिटी है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, मैं क्या हूँ, ठीक है, इट मीन्स वॉट, वेदर इट्स अ करेंसी और इट्स एन एसेट. अभी इसको यही क्लैरिटी नहीं है कि एसेट को आपको रेगुलेट करना है कि आपको करेंसी को रेगुलेट जो है करना है. क्रिप्टो करेंसी ना गवर्नमेंट के द्वारा इशू होती है, ना सेंट्रल बैंक के द्वारा होती है, इंडिविजुअल के द्वारा इसकी माइनिंग होती है. सो इसलिए भी इसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है. ऑल्दो हमारे देश के अंदर जो है आरबीआई की बात करें, वेन यू टॉक अबाउट द आरबीआई, तो हम एक डिजिटल करेंसी, वी आर कमिंग अप विथ अ डिजिटल करेंसी. हम एक जो डिजिटल करेंसी है उसके तहत हम आ रहे हैं. उसमें देखो सिंपल सी बात ये रहेगी कि वही क्रिप्टो करेंसी विच आर ऑथराइज बाय द आरबीआई कैन बी यूज एंड कैन बी कंसिडर्ड एज द लीगल. हम इस पाथ में जो है वो जा रहे हैं. अब देखो आपके मन में ये चीज एक डिस्कशन पॉइंट में आ जाएगा. अब इस पर हमने डिस्कस किया, आप ही कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर इफ वी ऑप्ट फॉर अ क्रिप्टो करेंसी, इफ वी ऑप्ट फॉर अ डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी सिस्टम, अगर हम इसके लिए ऑप्ट करते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट है रोल ऑफ आरबीआई के कंटेक्स्ट में वो क्या होगा, एक बार कमेंट सेक्शन में लेट अस नो. ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी सिस्टम हाउ इट विल इंपैक्ट द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या और कैसे जो रोल है दैट विल बी अफेक्टेड, कमेंट सेक्शन में जस्ट लेट अस नो. नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 15 एंड 16. तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के ऊपर एक आर्टिकल है, अगर आप देखोगे ना जो एडिटोरियल है, एडिटोरियल वाला पेज है, उसमें ईडब्ल्यूएस के ऊपर एक आर्टिकल है. ठीक है, तो उसमें अपने अपने आर्गुमेंट दिए हैं उन्होंने, तो वो आर्गुमेंट वी कांट कैरी. अगर आप रीड कर सकते हो तो रीड कर आप कर सकते हो. उसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक टॉपिक आता है वो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 आता है जो हमें डिस्कस करना है. तो उसमें जो कंटेंट वी आर डिस्कसिंग वो थोड़ा सा ही कंटेंट आर्टिकल में दिया हुआ, रेस्ट वी हैव टू कवर जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर. देखो यहाँ पे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 की अगर बात करें तो इसी इन्हीं आर्टिकल का इस्तेमाल करके जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको रिजर्वेशन 10% का रिजर्वेशन जो है वो आपका जो है वो दिया गया है 10% का रिजर्वेशन. तो उसमें आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 ये दोनों आर्टिकल आपको याद रखना है. अब देखो व्हाट डज आर्टिकल 15 सेज, आर्टिकल 15 क्या कहता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ रेस कास्ट रिलीजन पूरे तरीके से प्रोहिबिटेड, इन बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए. दूसरा ये भी कहा जाता है कि स्टेट जो है इट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग इट्स सिटीजन बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स, इन बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए. आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 और आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 इट प्रोवाइड्स कि जो स्टेट है वो स्पेशल प्रोविजन लेकर आ सकता है वुमेन एंड चिल्ड्रंस के लिए एंड इन फेवर ऑफ अदर माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड एंड अपोज्ड कम्युनिटीज. तो इसी का यूज करके रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो आपकी है, दैट इज रिलेटेड विथ क्योंकि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4, तो रिजर्वेशन एंड ऑल यहां से आपके आते हैं. तो यहां पे क्या कहा गया, यहां पे देखो पहले इसमें कहा गया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन रेस कास्ट रिलीजन इन सब के बेसिस पे, लेकिन स्टेट चाइल्ड के फेवर में, वुमेन के फेवर में, माइनॉरिटी के फेवर में या बैकवर्ड जो या ऑप्रेस्ड क्लास है उनके फेवर में सर्टेन प्रोविजंस लेकर आ सकते हैं जो कि इनके अपलिफ्टमेंट के लिए जरूरी है. सो दिस हैज बीन मेंशनड अंडर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 के अंदर आपका मेंशनड है. और इसमें जो बैकवर्डनेस के जो डेफिनेशन, एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड कम्युनिटी है, ये चीज आपकी की गई. बट अब एक और एड ऑन किया गया है, दैट इज लाइक वी कैन से इकोनॉमिकली एस्पेक्ट को भी कंसिडर किया गया. सो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, राइट टू एजुकेशन, कई मैटरनिटी जो स्कीम्स हैं ये सब कुछ आर्टिकल 15 के अंदर आते हैं. तो आपको याद रखना है दे कैन सिंपली आस्क अबाउट आर्टिकल 15 प्रीलिम्स के अंदर, दे कैन आस्क यू. तो यहाँ पे चाहे मेटर्निटी स्कीम्स होती हैं, मेटर्निटी जैसे बेनिफिट्स होते हैं ना कई, या फिर वी कैन टॉक अबाउट राइट टू एजुकेशन जैसी जो पॉलिसी है, या कोई वुमेन रिलेटेड इश्यूज है, कोई भी ऐसी स्कीम्स है जो कि ऑप्रेस्ड क्लास या बैकवर्ड क्लास के अपलिफ्टमेंट के लिए है, वो सब कुछ आर्टिकल 15 के अंदर आएगा. उसके लिए अगर सरकार कदम उठा रही दैट विल फॉल अंडर आर्टिकल 15. आर्टिकल 16 की बात करें तो कोई भी सिटीजन्स हैं, इसमें हाईलाइट किया गया है दे शुड हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो और जो भी सरकारी जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना
चाहिए। यहाँ भी अगर जरूरत पड़ती तो स्टेट बेसिकली बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए आपका स्पेशल प्रोविजन जो है वो लेकर आ सकते हैं, और स्टेट अगर स्टेट को ऐसा लगता है कि जो ये कम्युनिटी है ये सही से रिप्रेजेंटेड नहीं आपका है, तो रिजर्वेशन में आर्टिकल 16 भी आपका आएगा। अब देखो इंदिरा साहनी केस जो है 1992 का, इसमें कोर्ट ने एम्फसाइज किया है कि जो इंटेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन का बिहाइंड ड्राफ्टिंग ऑफ आर्टिकल 15 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने क्या कहा इसमें, मतलब ये केस में कोर्ट ने हाईलाइट किया कि क्या इंटेंशन है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को ड्राफ्ट करने के लिए, मतलब लेकर आने के लिए। तो कोर्ट ने क्या कहा अपने इस केस के अंदर कि यहाँ पे इस केस के माध्यम से कोर्ट ने कहा कि इन आर्टिकल का इस्तेमाल करके सोसाइटी के अंदर सच में इक्वालिटी कैसे लाई जाए उस डायरेक्शन में लेकर जाया जा रहा है। रियल इक्वालिटी, सेम डिग्री ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज एसेंशियल। तो यहाँ पे बस आपको याद रखना है कि व्हाट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल 15 एंड 16 टू ब्रिंग रियल इक्वालिटी सोसाइटी के अंदर। रियल इक्वालिटी लाने में आर्टिकल 15 और 16 का इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखो दूसरा ये है केसी वसंत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका जो 1985 का केस है, इसमें भी कोर्ट ने कहा कि जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है फॉर्म द प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ द बैकवर्डनेस। यहाँ पे देखो इकोनॉमिक कंसिडरेशन बैकवर्डनेस का एक बड़ा फैक्टर बन सकता है, इस चीज को भी केसी, मतलब ये जो केसी वसंत कुमार केस के अंदर हाईलाइट किया गया है। ठीक है, अब देखो ये जो आर्गुमेंट्स हैं व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग अबाउट मान लो कोई भी स्कीम और किसी के ऊपर है, तो ये ऐसे आर्गुमेंट्स यू शुड कैरी। अब इसमें जो आर्टिकल उसमें सब आर्गुमेंट्स नहीं है, ठीक है, तो वी हैव टू कम अप विद सर्टेन आर्गुमेंट्स जो कि आप एग्जाम में यूज कर सकते हो, जो कि हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड हायर एजुकेशन ऑटोनॉमी। ये भी अगर आप देखोगे एडिटोरियल का पेज है उस पर ये टॉपिक है आपका, और जीएस पेपर 2 के अंदर जो प्रश्न है वो आपके लिए फ्रेम हो सकता है। ठीक है, तो जीएस पेपर 2 के अंदर टॉपिक क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड हायर एजुकेशन ऑटोनॉमी। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो अगर आप आज के समय में आप सभी लोग, बहुत सारे लोग आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जस्ट लेट अस नो कि क्या क्या चैलेंजेस आपको लगता है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है वो फेस कर रहे हैं, क्या क्या है जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है वो आपके फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो आज के समय में देखो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जो पोलिटिकल पार्टीज हैं, वी कैन से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका एंट्री विद इन द कैंपस, कैंपस का मतलब जैसे मान लो आप कोई भी बड़ी संस्था लो, ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड है, बड़ी बड़ी जो कि जो क्यूएस रैंकिंग होती है उसमें टॉप 50 में आते हैं विश्व के कॉलेजेस। अब उनमें ज़्यादातर का अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ये रेयर है कि जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो पॉलिटिकल पॉलिटिकल लेवल पे वो इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारे देश के अंदर बड़े बड़े जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के अंदर जब आपका पॉलिटिकल पार्टी की एंट्री हो जाती है, पॉलिटिकल पार्टी की एंट्री मतलब वहाँ पे अलग अलग संस्थाएं होंगी विद इन द यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो कि एफिलिएटेड हैं पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से, तो इस वजह से पूरा का पूरा वहाँ पे टीचर्स स्टूडेंट्स वहाँ पोलराइजेशन बहुत अधिक हो जाता है, एकेडमिक आस्पेक्ट से ज़्यादा पॉलिटिकल आस्पेक्ट पे बहुत अधिक फोकस हो जाता है। ये कहा जाता है कि ठीक है जो मतलब ये जो संस्थाएं हैं ये एक नर्सरी के रूप में है जहां से फिर बड़े बड़े नेता निकल कर आते हैं, लीडर्स निकल कर आते हैं, बट देखो वो पुरानी बात है। वी हैव पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, लोकल बॉडीज हैं आपके पास, म्यूनिसपैलिटीज हैं जिनको अपना करियर पॉलिटिकल एस्पेक्ट में डेवलप करना है, वो इन इन जो आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूनिसपैलिटीज हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके। ये दीज लोकल इंस्टीट्यूशन दे शुड एक्ट एज अ नर्सरी जो हमारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें। लेकिन व्हाट वी आर डूइंग इज कि वी हैव कंसीडर्ड यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस और इनको हम समझने लग गए कि ये जो है पॉलिटिकल एरिना को डेवलप करने के लिए एक संस्था के रूप में जो है नर्सरी के रूप में काम करेंगे। अब इससे क्या होता है, हर चीज का पॉलिटिसाइजेशन हो गया है, एजुकेशन का भी पॉलिटिसाइजेशन, टीचर्स का अपॉइंटमेंट का पॉलिटिसाइजेशन, वीसी का अपॉइंटमेंट का पॉलिटिसाइजेशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी वहाँ पे इशू बन जाते हैं। वहाँ पे जो ध्यान पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं देगा वो 4, 5, 6, 7, 8, 10 लोगों को इकट्ठा करके और अपना जो है नेतागिरी एंड ऑल उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। तो ये जो आस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को काफ़ी हद तक डैमेज भी कर रहा है। इस पर आप भी कमेंट देख सकते हो, आप एग्री कर सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो। अब देखो दूसरी चीज क्या है कि क्या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, क्या सेकंड पॉइंट इज वेदर वी नीड ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन विद इन कॉलेज यूनिवर्सिटीज और नॉट। आंसर यस वी नीड इट, बट जरूरी नहीं कि दे शुड बी एफिलिएटेड टू
पॉलिटिकल पार्टी, आप कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हो। क्या काम है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के? स्टूडेंट के कंसर्न को देखना, हॉस्टल और वो सब का इशू कोई आता है, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करना, मतलब कई एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज है। सो फॉर दैट वी कैन, अगर इलेक्शन भी कंडक्ट कराना ठीक है, वहीं पे विद इन द कैंपस वी कैन कैरी आउट द इलेक्शन एंड ऑल एवरीथिंग, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सेट, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वो कर सकते हैं, बट दे शुड नॉट बी एफिलिएटेड टू एनी पोलिटिकल पार्टी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड होते हैं तो ऊपर से फंडिंग आना, वहां से फिर सारी चीजें, यू ऑल आर अवेयर कैसी कैसी दिक्कतें जो है वो होती हैं, है ना। फिर क्या होता है कि हर एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट में छोटी छोटी चीजें बाहर भी होंगी, उसका पॉलिटिसाइजेशन होगा, वहां पे फिर कैंपस में पुलिस बैठी रहेगी, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, और फिर इससे पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज बीइंग अफेक्टेड। तो इसमें रीथिंक करना जरूरी है, वेदर वेदर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको पॉलिटिकल अपने रोल को देखना है, कि वेदर जो एकेडमिक रोल को देखना है, कि हम ऐसे स्किल्ड माइंड क्रिएट करें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से जो कि कंट्री के डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सके, जो एसेट है वो जो है क्रिएट हो सके, क्योंकि वो सिर्फ इन्हीं संस्थाओं के अंदर क्रिएट हो सकते हैं। बाकी पॉलिटिकल लीडर तो बाहर भी क्रिएट हो सकते हैं, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड ऑल आपका है। तो ये थोड़ा सा एंगल आप अपना इसमें ओपिनियन देना। तो देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी, अब इसमें कहा गया कि ऑटोनॉमी। अब देखो ऑटोनॉमी का डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो जैसे ऑटोनॉमी ये है कि जैसे फाइनेंशियल लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ऑटोनॉमी होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में क्या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, AICTE, ये सब को विद इन द रेगुलेशन ऑफ UGC AICTE की गाइडलाइंस के उसमें काम करना पड़ता है। अब कहा जाता है कि ठीक है ये जो ऑटोनॉमी दी गई है मतलब एक ऑटोनॉमी होनी चाहिए। अब आप खुद इमेजिन करो UGC के नॉर्म्स होते हैं कि अगर कोई टीचर है, वो टीचर अगर मान लो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में या लेक्चरर के रूप में काम करता है तो उसको इतनी सैलरी मिलना चाहिए। सरकारी संस्थाओं में तो रूल है, कोई नहीं ब्रेक कर सकता है, तो होता ही है, लेकिन प्राइवेट संस्थाओं में आप जाओ वहाँ पे क्या होता है, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार में काम करवाते हैं, और उसमें फिर साइन कहीं और करा लेंगे जिनको 60-70 दे रहे हैं, असली में सैलरी 25 देते हैं। तो ये सब क्या है कि अगर सपोज करो प्रॉपर कंप्लीट ऑटोनॉमी मिल जाए तो हो सकता है कि वो फिर क्या ही सैलरी देंगे, मतलब ये जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है दैट विल बी हैम्पर्ड। ये एक देखने वाली बात है, मतलब कुछ अच्छे संस्थाएं हैं प्राइवेट एस्पेक्ट में, बट ज़्यादातर संस्थाओं में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो एक तरफ हम ऑटोनॉमी की बात तो करते हैं, बट वेदर वी विल बी एबल टू हैंडल द ऑटोनॉमी और नॉट, ये भी एक सोचने वाली बात है ना, क्योंकि उस ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करके क्या हम संस्थाओं का विकास कर सकते हैं, उसको एक राइट ह्यूमन रिसोर्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं, ये देखना जो है जरूरी है। तो हर एक लेवल पे जैसे UGC के नॉर्म्स, अगर मान लो रिक्रूटमेंट ही करना है टीचर का, तो पता है कि ऐसे ऐसे होना है, ऐसे ऐसे डिग्री मिलनी है, सब चीजें हैं आपको देखने को मिलती हैं, मतलब ऑल दिस इज अंडर AICTE, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज के कंटेक्स्ट में और UGC नॉर्मल यूनिवर्सिटीज के कंटेक्स्ट में। सो मोस्ट ऑफ देम बिकम सो कंफर्टेबल विद द प्रैक्टिस ऑटोनॉमी की, मतलब बिकॉज दे ज्यादातर संस्थाएं UGC नॉर्म्स, क्योंकि फंडिंग वहीं से आती है, उसको फॉलो करना आपका पड़ता है UGC नॉर्म्स एंड ऑल को, और इसी वजह से इसी चीज़ को हम फॉलो करते रहते हैं, ऑटोनॉमी की डिमांड नहीं ज़्यादा जो है किया जाता है। साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो जैसे आपके सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, वो सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स अगर फॉलो किए जा रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के द्वारा या UGC अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, अगर उसको कंप्लाई किया जाए तो उनकी रैंकिंग जो है, और प्रॉपर जो रैंकिंग है वो आपकी होती है। जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज है वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो वहाँ पे ऑटोनॉमी पर बहुत फोकस किया, जैसे यूरोपियन यूनिवर्सिटी एसोसिएशन है, उसमें कंपैरिजन होता है कि कहाँ पे कितनी ऑटोनॉमी है, उस बेसिस पे देखा जाता है। तो ऑटोनॉमी एस्पेक्ट में जैसे ऑर्गेनाइजेशनल है, फाइनेंशियल है, स्टाफिंग, एकेडमिक है, इन लेवल पे ऑटोनॉमी। अब हमारे देश में देखो मान लो अगर टीचर का अपॉइंटमेंट भी होता है ना, अगर टीचर का अपॉइंटमेंट होता तो उसमें ही बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि ये बोर्ड का गठन होगा, फिर मतलब बहुत डिवीज़न होता है, यू अंडरस्टैंड, अलग अलग डिफरेंट क्लास और भी एस्पेक्ट में डिवाइडेड रहते हैं सभी लोग, पोलराइजेशन बहुत अधिक रहता है, ठीक है, कास्ट बेसिस पे भी अगर आप देखोगे तो वो भी एक प्रकार से डिवीज़न देखने को मिलता है, और उस कंसेंट्रेशन टीचर के अपॉइंटमेंट एंड ऑल उस सब में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्वालिटी को ध्यान में रखते हो ना ध्यान में रखते हो, और बहुत सारे डिफरेंट डायमेंशंस पर ध्यान में रखा जाता है, तो ये सारी चीज़, ये सब चैलेंजेस हैं। तो अगर वी हैव टू ब्रिंग ऑटोनॉमी, तो ऑटोनॉमी इन एरियाज में होने, फाइनेंशियल है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग है, एकेडमिक लेवल पे देखना जरूरी है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी हाईलाइट किया, ऑटोनॉमी के कंटेक्स्ट में हाईलाइट किया गया है, और
यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी को खास तौर से, अगर हमें हायर एजुकेशन को पूरे तरीके से बदलना है तो इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी लेकर आना चाहिए। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी इस पर हाईलाइट आपका किया है। एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑटोनॉमी है वो एसेंशियल है, ऐसा भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने आपका जो है हाईलाइट जो है वो हाईलाइट किया है। तो यहाँ पे इफ देयर इज एन ऑटोनॉमी देन देयर विल बी अ स्पेस फॉर क्रिएटिविटी, देयर विल बी स्पेस फॉर इनोवेशन, इनोवेशन क्रिएटिविटी एंड ऑल, इस सब के लिए आपका स्पेस रहेगा। दूसरा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये भी कहा गया कि जो रेगुलेशन होगा दैट रेगुलेशन शुड बी लाइट, मतलब बहुत अधिक रेगुलेशन नहीं होगा बट इट शुड बी टाइट। ये लाइन इस्तेमाल की जाती है, जो मतलब जो रेगुलेशन है वो कम हो बट अच्छा हो, तो लाइट और राइट लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर जो है फोकस आपका किया गया है। हाउ वी कैन एम्पावर द इंस्टीट्यूशन इट सेल्फ, इस पर फोकस किया है, फोकस किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। कल्चर ऑफ एम्पावरमेंट पर जो है वो फोकस किया गया है, इस पर फोकस आपका किया गया है। तो हायर लर्निंग जो सेंटर्स एंशियंट इंडिया की भी बात करते तो उसमें भी एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देखने को मिलती थी। पहले जैसे तक्षशिला और बहुत सारी ऐसे संस्थाएं थी जहां से लोग आया करते थे यहां पढ़ने, नालंदा यूनिवर्सिटी, तो उसमें एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी थी, बहुत ही कम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और ये सब हुआ करता था। तो वैसा अब विश्व के दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में तो हो गया जो हमारे एंशियंट इंडिया के अंदर था, और लेकिन इंडिया के अंदर जो संस्थाएं हैं उनमें और रेगुलेशंस जो हैं रेगुलेटरी आस्पेक्ट पे फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे यूआईएस चैनल के अंदर कल मैंने जो आपके लिए टॉपिक्स कवर किए हैं प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में, इफ यू विल सी, तो टॉपिक्स जो मैंने आपके लिए कवर किए हैं, लेट मी शो यू, आई टॉट यू, एक तो मैंने आपको पढ़ाया फ्लैश ड्रॉट के बारे में, ठीक है, फ्लैश ड्रॉट है उसके बारे में आई हैव टॉट यू। उसके बाद हाइब्रिड स्टॉर्म्स क्या होते हैं, दैट आई टॉट यू हाइब्रिड स्टॉर्म क्या, फिर आपका सूखा पैका रिवर क्या है, फिर लोथल के बारे में डिस्कस किया है, एलामैनिया मल्टीफ्लोरा, ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। प्रीलिम्स के टॉपिक्स हैं जो ज्योग्राफी एनवायरमेंट साइंस के टॉपिक्स हैं दैट आई हैव डिस्कस्ड। ठीक है, तो यूआईएस चैनल के अंदर जो प्रीलिम्स ज्ञान सीरीज है 9 PM वाली, उसमें आई हैव डिस्कस्ड दीज टॉपिक्स, तो इनको आपको कवर करना है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 एंड 2024। तो यूट्यूब में टाइप करना यूआईएस एंड देन यू विल गेट द वीडियो एंड यू कैन प्रिपेयर द नोट्स। जो गाइडलाइंस दी उसको आप फॉलो करना। अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप का हिस्सा आप जरूर से बने, कल है आपका नवंबर 13, तो ये चैंपियनशिप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसमें आप ज्वाइन करना, इसको जरूर से अटेम्प्ट करना, आपके पास स्कॉलरशिप का जीतने का भी मौका है, प्लस आईएएस ऑफिसर से मिलने और इन सब का भी मौका है। अनअकैडमी में जाना है जैसे आप यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करना, कोड डाल देना SPLIVE, तो आप मेरे जो करंट अफेयर का कोर्स है और जो अपकमिंग कोर्सेस वो तो कर ही सकते हैं, साथ में पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी सब कोर्स भी आपके लिए फ्री होंगे। अभी ये सारा एक्सटेंशन भी चल रहा है, 9 मंथ में 2 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, तो सब चीज़ें हैं। तो इसका PDF आई विल शेयर विथ यू, SPLIVE करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल पे आई विल शेयर विथ यू द PDF। कल जो सेशन होगा आपका उसका टाइम फ्लेक्सिबल होगा, 12:30 के आसपास आपका सेशन होगा, ठीक है, द हिंदू का। तो आप सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो थैंक यू एवरीवन। कल आपकी मेंस का भी आई विल टेक, है ना, मैं पूरे वीक के अंदर जितने भी मेंस के क्वेश्चंस हैं, जितना हमने वीक में टॉपिक्स पढ़े हैं उसका आई विल क्रिएट वन वीडियो, पूरे वीकली जो मेंस का मॉक टेस्ट है यूआईएस चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।